एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. और दिस इज दिवांश गहलोत, सेकंड ईयर फिजियोथेरेपी स्टूडेंट. तो गाइज, मेडिकल स्कूल्स में ना, लाइक मेडिकल कॉलेजेस में समर ब्रेक्स बहुत रेयर मिलते हैं, और हमें फाइनली समर ब्रेक मिला है. तो फिर मैंने सोचा क्यों ना हम लोग उसको यूटिलाइज करें और मैं घर जाऊँ जल्दी से, और घर जाके सबको सरप्राइज कर दूँ, क्योंकि अभी तक घर पर किसी को नहीं पता है कि मैं घर पर आ रहा हूँ. और तो मैंने सोचा क्यों ना सरप्राइज़ करा जाए. और पता है, ये पार्ट में दोबारा शूट करूँ, बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइज़ वगैरह भी आ रही होगी. मैंने इससे पहले ये इंट्रो वाला पार्ट इतना अच्छा शूट करा था, बट कुछ सर्कमस्टेंसेज, मतलब लाइक मेरी लापरवाही और आईफोन के स्टोरेज की वजह से वो डिलीट हो चुका है. तो मेरे को ये दोबारा शूट करना पड़ा. चलो आओ देखते हैं व्लॉग. एंड दिस वॉज मम्माज रिएक्शन. ऑफकोर्स शी वॉज शॉक बिकॉज सुबह के 4 बज रहे थे. उसके बाद मैंने नाना को सरप्राइज करा और घर का यमी यमी खाना खा के मैं निकल गया था स्कॉन जाने. तो गाइस, अभी मैं जा रहा हूँ आस्था को सरप्राइज़ करने स्कॉन, और मेरे को लगता है कि जहाँ तक है वो अभी स्कॉन में ही होगी और मेरी बात नहीं हुई उससे. अगर मैं बात करूँगा तो उसे पता चल जाएगा. मैंने किसी और को फ़ोन किया था पर उससे फ़ोन नहीं उठाया, तो मैंने सोचा कि उन्हें स्कॉन ही चलते हैं सीधे और देखते हैं क्या होता है. तो इस्कॉन पहुँचते ही मैंने थोड़ा सा कीर्तन वगैरह अटेंड करा और इस्कॉन में थोड़ा सा मूड फ्रेश करा. उसके बाद क्या कहते हैं, आस्था और अंजलि आ गए तो मैंने इन्हें सरप्राइज़ करा. बल्कि मेरा दूसरा रिएक्शन था, क्योंकि पहली बार इन्होंने ही मेरे को पोपट करके मेरे को ही सरप्राइज़ कर दिया था पीछे से आके. उसके बाद मैं घर गया और आर्यन को सरप्राइज़ करने उसके घर जा रहा था, और उसने भी मेरा पोपट कर दिया सामने से आकर. तो गाइज, सरप्राइज़ रिकॉर्ड है. उसका रिएक्शन बहुत गंदा आया, वो अलग बात है. दिन आर्यन मेरे को लेकर गया था 24/7 कुछ खिलाने पिलाने, बट वहाँ पर कोई स्टाफ ही नहीं था, तो हमें अनफॉर्चुनेटली वापस आना पड़ा बिना कुछ खाए पिए. हरे कृष्णा. तो मैं बहुत ज़्यादा रश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जाने सुबह सुबह मंगला आरती के लिए स्कॉन में, और अभी 4:30 हुए हैं और 4:30 बजे आरती स्टार्ट हो जाती है. बस 2 मिनट बचे हुए हैं, और ना मेरे घर से स्कॉन ऑलमोस्ट 10 मिनट दूर है. मैं भागा भागा आया हूँ, 5 मिनट पहले ही निकला था, और अभी देख लो बिल्कुल सब सन्नाटा पड़ा हुआ है, और बस 2 मिनट बचे हैं और मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया. हैप्पी बर्थडे. हैप्पी बर्थडे बोलो. हैप्पी बर्थडे. थैंक यू. देन फिर सेम मॉर्निंग मेरे को आशी के घर जाना था उसको सरप्राइज करने, तो पापा ने मेरे को छोड़ दिया था. समोसा वो है जो कभी कभी महंगे कैफे आ जाते हैं. अभी आई थी, ये देखिए रही, मैं तेरे को बर्फ दिखा रही हूँ. वैरायटी ऑफ आइस. तो गाइस, अभी हम ना एक चैलेंज करने वाले हैं. आजकल जो फेमस चैलेंज नहीं चल रहा है कि खाना रखते हैं और फिर खा के जाते हैं वापस आके. तो हमारे पास भागने की जगह नहीं है, तो हम 5 सेकंड के लिए आंख बंद कर लेंगे. ठीक है, आंख बंद. तो अभी हमारा खाना आधा बचा हुआ है. हमने दोबारा कुछ और ऑर्डर करा है, तो मैंने बोलते थे फ्राइज मंगाया है, कुछ और मंगाया है. ठीक है, तो अभी जब तक हम इसका करते हैं. ठीक है, मैं जल्दी से ये खत्म कर कितनी देर. 1, 2, 3, 4, 5 अबे बस. तो नेक्स्ट डे फिर मैं आशी के घर से ही चला गया था शेर को एयरपोर्ट लेने, और यार मेरे को कहना पड़ेगा एयरपोर्ट वाली मेट्रो क्या लाजवाब है. और फिर मैं गया था शेर को लेने, और पता है वहीं पे ना मैं इंटरनेशनल वाले पे चला गया था, और वहाँ पर ना ये दो लोग मेरे को मेरे ब्लॉग में विक्ट्री साइन दिखा रहे थे. उसके बाद श्रेय आ गया, इवेंचुअली मैंने इसको लिया. और भाई तुम लोग ये मेट्रो देखो, मतलब एकदम लाजवाब मेट्रो है. तो गाइस, पूरी आफत के बाद मैंने इसे उठा लिया, और मैंने इसे बर्गर भी दिला दिए हैं. दिखा, देख पीछे जा. तो गाइस,
ये इतना ज्यादा भारी बैग लेके आया ना, मैं क्या बताऊँ, मतलब हद से ज्यादा भारी सामान लेके आया। इनके कुनवे का नाश्ता लेके आया हूँ मैं, पता नहीं क्या क्या नाश्ता भर के लेके आया। देखो मैं इसका बैग दिखाता हूँ, गाइस दिस इज ट्रेजर, पूरा खाकरा फाफरा पता नहीं क्या क्या भर रखा है। एंड दिस इज़ द नेक्स्ट डे, और मेरा पर्सनल फेवरेट दिन भी था क्योंकि मेरा और पापा का एकदम रैंडमली रात को प्लान बन गया था वृंदावन जाने का, और ऐसा मौका मैं कैसे छोड़ सकता, तो हम लोग गए थे वृंदावन। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं वृंदावन, और यहाँ के बंदरों से बचने के लिए हम लोगों ने चश्मे उतार दिए हैं ताकि कोई चश्मा ना ले जाए बंदर। मेरे पापा अभी ना हम लोग अंदर थे मंदिर में, और मेरे को ना तुलसी माला आके मिली, मतलब बिहारी जी के चरणों से उठ के आके मेरे को मिली, और मतलब मैं तो धन्य हो गया यार, मतलब और मेरे ना उससे लग गई थोड़ी सी। पापा हो रहे उधर अभी, हाय कैन आई टेक अ फोटो, पापा रोकना। तो गाइस अभी ना हमें जस्ट वो लैला मिला है, आरुष भोला और लैला वाले लैला, और मतलब बहुत ज़्यादा क्रेजी सीन हो गया पता है। हम मैंने उसे देखा और मुझे लगा कोई और है, मैंने इग्नोर कर दिया, फिर हम लोग उसका पीछा करते हुए वापस गए उसका फ़ोटो लेने के लिए। डैम भाई मैंने सोचा नहीं था कि मतलब इतना फेमस बंदा यहाँ पे मिल जाएगा हमें। नाउ वी आर एट निधिवन, गाइस हम लोगों को रुकना पड़ा थोड़ी देर के लिए क्योंकि स्कूटी हीट अप हो गई है पता नहीं कैसे, और भाई इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी मैं क्या बताऊँ, लाइक लिटरली तुम पीछे देखो एक बार, ऐसे हीट वेव्स ना ऐसे ऐसे पूरे चेहरे को पूरे शरीर को ना ऐसे ऐसे कर दिया। और देखो स्कूटी है, देखो ये स्कूटी खड़ी और ये बहुत ज़्यादा हीट अप हो गई है, और पर ये प्लान सही था कि स्कूटी से वृंदावन जाने का, क्योंकि हम लोग ना सारी जगह घूम पाए अच्छे से अपने टर्म्स पे, और जल्दी जल्दी भी कवर कर लिया। हम लोग सुबह आए थे, अभी दिन तक वापस भी जा रहे हैं, एक डेढ़ घंटा लगेगा पहुंच जाएंगे, और स्कूटी जैसे ही नॉर्मल होती है डायरेक्ट पहुंचते हैं घर पे। तो गाइस सेम डे हम लोग आ चुके हैं मॉल, सुबह जा रहे हैं वृंदावन, शाम को आ रहे हैं मॉल। तो गाइस हम आ चुके हैं सीपी, और पापा श्रेय, और दिस इज सीपी। देन आफ्टर इन्जॉइंग प्रटी गुड टाइम विद ईच अदर हम लोग हनुमान मंदिर गए जो कि सीपी में ही है। उसके बाद लाइक मैं इतना अच्छा मौसम हो रहा था तो फिर मैंने सोचा क्यों ना एक दो वीडियोज़ बनवा ली जाएँ, और ऐसे ना मेरे को बिल्कुल एकदम बॉलीवुड वाले मेन कैरेक्टर वाली वाइब्स आ रही थी। उसके बाद हम लोग गए थे अगले दिन साइबर हब जो कि गुड़गांव में है, और वहाँ जाकर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्ती करी और बहुत ज़्यादा चिट चैट कर रहे थे। ये देखो
सो गाइज इट इज अ बिग डे. आज मेरा फर्स्ट पेड कोलैबोरेशन का शूट है गुड़गांव में, तो मैं रेडी होके बस वहीं जा रहा हूँ. और ये रहा श्रेय और ये रहा मैं. और लाइक मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे को पहली बार कोई पेड कोलैबोरेशन मिला है जिसमें आई कैन अर्न लाइक अमाउंट. तो चलो वहाँ चलते हैं और आई शो यू एवरीथिंग. तो गाइस अभी हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारा शूट ख़त्म कर लिया है जितना भी था. और देख लो ये जगह थी, दिस इज़ द प्लेस. ये श्रेय, दिस इज़ द प्लेस जो हमें शूट के लिए मिला था. और दिस इज़ फॉर सेटल. तो हम लोगों ने डन कर दिया है शूट पूरा, जितना भी शूट करना था हम लोगों ने रिकॉर्ड वगैरह कर लिया अच्छे से. और अभी थोड़ा सा लाइक थोड़ा माइनर सा शूट बचा है, थोड़ा लाइक बहुत कम, तो वो करते हैं और चलते हैं गुड़गांव. बाय बाय. सो आफ्टर दिस व्लॉग मेरे को पता चला कि लाइफ कितनी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है और आपके फेवर में ज़रूर काम करेगी. तो कभी भी अपने ऊपर से भरोसा मत छोड़ना. और इस व्लॉग को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू. डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब.